हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? और आज है होली का दिन, होली के त्यौहार के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल रात को मेरी एक्चुअली ड्यूटी लगी हुई थी, शबे बारात भी था कल, एक मुस्लिम फेस्टिवल था, तो उसकी वजह से और होली की वजह से हमारा अरेंजमेंट ड्यूटी लगी हुई थी। रात को मैं आया हूँ अराउंड कोई 3 बजे के करीब, और उसके बाद फिर आके सोया हूँ। सुबह आई वेक अप एट अराउंड 8:30 के अराउंड हमारे नेबर्स आए और उन्होंने मेरे को थोड़ा करल लगा दिया। खैर, अब मैं रेडी हो चुका हूँ होली खेलने के लिए, बिल्कुल तैयार हूँ, नीचे जा रहा हूँ। अंशु की फ्रेंड्स का फ़ोन आया था, अंशु नीचे चली गई है, मैं भी जा रहा हूँ। बस आइए दिखाते हैं कैसे होली सेलिब्रेट की जा रही है। दोपहर के 2 बज चुके हैं और स्टार्टिंग में तो ऐसा मन करता है कि होली खेलने जाओ ही ना, पर जब एक बार आप खेलना स्टार्ट कर देते हो तो फिर घर जाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि मतलब नीचे यहाँ पे खाना पीना और मतलब डांस, रेन डांस, सब चीज़ अवेलेबल है। Several days later. मौसम को देखते हुए आज हम बना रहे हैं पकौड़े। Only you कैसे? तुमने क्या किया है? Only you. Yeah. तुमने मसाला तेल में तो मैं ही डाल रहा हूँ, बाकी काम ही तो किया है तुमने। अच्छा, और क्या? कुछ भी कैसे? तुमने क्या किया बताना? सब कुछ किया है मैंने। मसाला तुमने ही बनाया? सब कुछ मैंने बनाया। सिर्फ और तेल में कौन डाल रहा हूँ? तुम सिर्फ आलू डिप करके उसमें डाल रहे हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम तो यही है, उसको तेल में डालना, और क्या? कुछ भी नहीं। सही में कितना खतरा है इस काम में, अगर हाथ जल जाए तो? वो भी मैं फ्राई कर रही हूँ। तुम जान के कर रही हो? तुम क्यों कर रही हो? आलू को लेके सिर्फ डाल दो। हमारे पकौड़े तैयार हैं। ये वाला स्पेशल पकौड़ा है बड़ी मिर्च का, और ये छोटी मिर्च के पकौड़े पालक का और आलू का। प्याज के हम बनाए नहीं हमने, क्योंकि हम प्याज आजकल खा नहीं रहे हैं। अरे फूल आ रहे हैं इस पे तो, बढ़िया है ना? कौन आया? वो आया होगा एसी सर्विस वाला, मैं देख के आता हूँ, रुको। दोनों आने वाले हैं। A few hours later. बारिश हो रही है और मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, तो हम लोग आए हैं सेक्टर 104। ये नहीं पता क्या करने आए हैं, बट कहीं कुछ खाएंगे किसी रेस्टोरेंट में। कहाँ चले? थियोज। मैं नहीं जा रहा थियोज में। यहाँ सेक्टर 104 में इतने सारे आउटलेट्स हैं और यहाँ आके कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कौन से में जाएं। हम कुछ सोच के तो नहीं आए अभी किस में जाना है, पर अंशु को पिज़्ज़ा इन अ जार खाना है। पिज़्ज़ा इन अ जार कहाँ था? हम 0 degrees गए थे अभी कुछ दिन पहले, वहाँ पे था। अब वो सब जगह थोड़ी मिलेगा, वो तो फिर जीरो उसी में मिलेगा, 0 degrees में। चलें फिर 0 degrees ही चले क्या? इसमें चलें येल्लो चिली। पता है किसका है? नेवर, संजीव कपूर का रेस्टोरेंट है। हाँ, तो हम सारे में घूम लिए यहाँ पे और अब हम जा रहे हैं कैफ़े डिलान। ये स्पेजिया येलो चिली, इसके ऊपर कैफ़े डिलान है ऊपर, वहाँ पे हम जा रहे हैं। अंशु पूरी स्पीड से जा रही है, रुक भी नहीं रही। अरे रुको तो सही। तो हम लोग आ चुके हैं कैफ़े डलान और काफ़ी स्पेशियस है, बहुत
अच्छी स्पेस है, काफ़ी बड़ा है और बैठने के लिए भी कई तरह की सीटिंग यहाँ पे हैं, सोफ़ाज भी हैं, चेयर्स भी हैं, कॉर्नर में एक उधर प्राइवेट थोड़ा सा स्पेस भी बनाया हुआ है अगर आपको कोई छोटी मोटी पार्टी करनी है तो उसके लिए। और एम्बियंस बहुत अच्छा है, लाइट म्यूज़िक चल रहा है, स्क्रीन लगी है, आईपीएल के टाइम में मैचेस वगैरह देख सकते हैं आप, यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। और हमने सुना है कि फ़ूड काफ़ी अच्छा है यहाँ का, तो अब हम जा रहे हैं और मैनेजर ने हमें एक अच्छी सी सीट दी है बिल्कुल स्क्रीन के पास, तो अभी फ़ूड ऑर्डर करेंगे और देखते हैं कैसा यहाँ पे खाना वाना है। तो हमने ऑर्डर किया है, ये अंशु की ड्रिंक है, इसका नाम है फॉरेस्ट गम्प, और ये हमने ऑर्डर किया है एक वाइट सॉस पास्ता, पेने पास्ता, और मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है एक स्वीट लाइम सोडा। और जो अंशु की ड्रिंक है ये बहुत बढ़िया थी, इसमें कीवी, पाइनएप्पल, क्यूकुम्बर और बेसिल की बनी हुई थी, बहुत बहुत अच्छी थी। और ये आ गए हमारी दूसरी डिश, हमने डिमसम्स ऑर्डर किए थे, उन्होंने हमसे हमने इनसे पूछा था कि यहाँ पे अच्छा क्या है, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया था कि हम ये डिमसम्स लें। ये है फाइव वेजिटेबल डिमसम्स, और अंशु को फूड काफ़ी अच्छा लगा, उसने काफ़ी इन्जॉय किया, फूड टेस्टी था। और हर बार की तरह यहाँ भी अंशु ने अपना इतनी बढ़िया ड्रिंक छोड़ के और मेरे स्वीट लाइम वाटर को उठा लिया। हम लोगों ने अराउंड एक घंटा यहाँ पे स्पेंड किया और काफ़ी हमें अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर, और कैसा लगा अंशु तुम्हें खाना? हाउ वाज द फूड? अच्छा था। मोमोज कैसे थे? मोमोज ठीक थे। तो जो हमने खाया पास्ता, आई थिंक पास्ता तो बहुत अच्छा था, पास्ता बहुत अच्छा था और बिल्कुल एकदम परफेक्ट था, ज़्यादा उसमें कुछ भी नहीं था, हमने सिर्फ ब्रोकली और कॉर्न डलवाए थे, तो बहुत अच्छा था। और जो तुम्हारी वाली ड्रिंक थी ना वो भी बहुत ज़बरदस्त थी, फॉरेस्ट गम्प, उस फॉरेस्ट गम्प में कीवी, क्यूकुम्बर, बेसिल और पाइनएप्पल था, बहुत अच्छी थी वो ड्रिंक भी, और पास्ता भी बहुत अच्छा था, बट मोमोज कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आए, है ना? ओके ओके थे, एक तो उसमें अजीब से थे, मतलब थोड़ा सा ना स्टिकी स्टिकी टाइप्स के हो रहे थे, मुझे भी लगा वो जो है ना उसका वो राइस का था, वो राइस फ्लोर के थे एक तो थोड़े स्टिकी स्टिकी से हो रहे थे, बट ओवरऑल गुड, एम्बियंस वगैरह भी अच्छा था, है ना, सारी चीज अच्छी थी। अभी जा रहे हैं घर, और अभी अर्थक्वेक आया हुआ है, मतलब ये देखो हमारे ये सब, ये हमारा झूमर हिल रहा है, पीछे वो लाइटें हिल रही हैं, बहुत मतलब मैंने शायद पहली बार फील किया है इतना जबरदस्त भूकंप था, काफी टाइम के लिए था, और ये तो अब वैसे हिल रहे हैं, अब तो खत्म हो गया, अब तो ये हिल रहे हैं, उसका आफ्टर इफेक्ट है, उनके भी हैं, हाँ तो आफ्टर इफेक्ट है ना, खत्म हो गया, इफेक्ट इतना थोड़ी होगा, ये बंद तो हो गए, ये सब हिल रहा है, देखो ये भी हिल रहा है, अभी भी है, हाँ तो वो उसी की वजह से हिल रहे हैं, खत्म हो गया, अब इतनी तेज यहाँ से आवाज आ रही थी, खत्म हो गया, खत्म हो गया, अब खत्म हो गया, बाहर निकल गए लोग सारे में, भीड़ भीड़ लग गई नीचे, खूब आवाज आ रही है, सब लोग इकट्ठे हो गए नीचे, बड़ा जबरदस्त भूकंप आया। अंशु कैसा आया था भूकंप? बहुत तेज था, अभी मैं गूगल पे चेक कर रहा था, अफगानिस्तान के पास 7.7 का जो स्केल है उस पे आया है, और हमें जो फील हुआ है आई थिंक अराउंड 6.3 से 6.8 की रेंज का है ये, तो बहुत तेज था, और लाइफ में इतना तेज भूकंप मैंने पहली बार फील किया है भूकंप, मुझे फील ही नहीं होता, छोटे मोटे जो आते हैं मैं पढ़ा रहता हूँ, मुझे फील ही नहीं होता, हाँ तो मुझे फील नहीं होता, बट आज मुझे फील हुआ है, तो मेरे को यहाँ ऐसा लग रहा कि ऐसे ऐसे सब कुछ हिल रहा है, जबरदस्त भूकंप था भाई, जबरदस्त। और नीचे लोगों की भीड़ लग गई है भूकंप की वजह से, सब लोग नीचे उतर के चले गए, मेरे को लग रहा है इतनी भीड़ तो कभी नहीं हुई सोसाइटी में भूकंप की वजह से, सब लोग नीचे चले गए, हम ही ऊपर बैठे हैं। कैसा आया भूकंप? और हम अब नीचे जा रहे हैं, एक बार देख के आते हैं कि नीचे क्या हो रहा है। अरे मेरे को भी ऐसा लगा शुरू में, मेरे को ऐसा लगा यार यहाँ एकदम से कुछ वैसा हुआ, फिर मैंने देख
पहले मैंने देखा था, मैंने देखा, मैं इधर बैठा था, मैंने देखा झूमर हिल रहा है, मैंने बोला, मैंने बोला तो एकदम, मैंने कहा अंशु भूकंप, मैंने देखा झूमर हिल रहा है, वो भी हिल रहे हैं, सारी चीज हिलने लगी, मैंने कहा अंशु भूकंप, भाई बहुत तेज था यार, बहुत तेज, सच में इतना तेज नहीं आया कभी नॉर्थ इंडिया में, तो नहीं आया ना, ये तो पड़ता जा रहा है धीरे धीरे यार। सब लोग नीचे घूम रहे हैं और वहाँ मेन गेट के पास भी बहुत है, और उधर दूसरी तरफ प्ले किंगडम है जहाँ पे फंक्शन वगैरह होते हैं, वहाँ पे भी खूब भीड़ है, सभी लोग नीचे ही हैं। ये हमारी रात की चाय चल रही है 11:30 बजे, अंशु पी रही है चाय पॉपकॉर्न के साथ और मैं पी रहा हूँ कॉफ़ी। अंशु कैसी बनाई है मैंने चाय? अभी मैंने पी नहीं। सही बताओ। सही में गरम है। गरम है अभी। अभी तुमने पी नहीं है? पी के बताना कैसी बनी है। गरम हो रही है अभी। यार प्लीज भाई होना एक बार, एक एक सिप। गरम हो रही है। अरे तो एक सिप तो मारो। कैसी बनी है? स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है? चीनी कम है? ठीक है। काम चल जाएगा? ओके। Okay.